झारखंड में नीम हकीम खतरे जान वाली कहावत का चित्र करते हुए गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र के देवगढ़ में एक झोलाछाप डॉक्टर ने एक व्यक्ति की जान ले ली। वहीं मृतक का एक पुत्र गंभीर रूप से बीमार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आनंद एक्का 7 वर्षीय शोमी एक्का के पेट में करीब 1 वर्ष से दर्द था। दर्द रहने के कारण परिवार वाले चिंतित थे। कभी डॉक्टरों से इलाज सही ढंग से नहीं कराकर इधर उधर की दवा ले रहे थे। कल बगल के गाँव के ही एक वैद्य को आनंद एक्का ने बुलाया, जहाँ वैद्य ने दवा दिया, मेरे दवा से बच्चा जल्द पूर्ण ठीक रूप से ठीक हो जाएगा, ये उस वैद्य का कहना था, और उसे पेट दर्द नहीं होगा। इस पर परिजनों ने वैद्य की दवा बनाने को कहा। वैद्य ने दवा बनाकर दिया और खाने के बाद दवा खिलाने को कहा। उसी के अनुसार परिजनों ने सोमी एक्का को खाना खिलाकर दवा खिलाई। वैद्य की दवा खाते ही बच्चा सोमी एक्का ने उल्टी करना शुरू कर दिया। उल्टी ज़्यादा शुरू हो गई, जिससे उसके पिता आनंद एक्का ने प्रयोग के तौर पर वैद्य के द्वारा दिए गई दवा को खुद खाया। आखिर इसमें क्या है जिसके कारण बच्चे को उल्टी हो गई? आनंद एक्का ने जैसे ही दवा खाई उसे भी उल्टी लगना शुरू हो गई। स्थिति को भांपते हुए गांव वालों ने पिता और पुत्र दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पालकोट में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहाँ स्थिति गंभीर होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया। दोनों के इलाज चल रहा था। स्थिति गंभीर होने के कारण पिता आनंद एक्का की मौत हो गई। लोगों में ना समझी है, वे लोग झोला छाप और छाट फूक के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। अपना 2 पैसा बचाने के लिए वो लोग हॉस्पिटल नहीं आते हैं और ज्यादा पैसा गवा के वहाँ पे झोला छाप के चक्कर में पड़े रहते हैं। और इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, झोला छाप के चक्कर में ना रहे, सरकारी हॉस्पिटल आ सकते हैं, वहाँ फिर डॉक्टर प्रेजेंट रहते हैं, पैसा उसे नहीं लगता। पोस्टमार्टम के लिए आया हुआ है, जो झोला छाप के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे, अगर सही समय पे उसको हॉस्पिटल लाया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर पीसी के भगत। मेरा भाई का बेटा है, मेरा भतीजा, तो इसको 1 साल से पेट में दर्द था। तो भैया बोला कि मतलब दर्द है तो देहाती दवा बनवाते हैं, बोल के वैद्य को बुला के उसको दवा बनवाया था। सुबह में वैद्य को बुलाया था और दवा बनवाने के बाद शाम को उसको खाना खिलाने के बाद खिला दिया, तो बच्चा पूरा उलट उल्टी पुलटी किया, उसके बाद में छटपटाने लगा। तो उसका पापा भी बोला कि बच्चा ऐसा देहाती दवा खा के कहे ऐसा हो रहा है, तो उसका पापा भी खा दिया। उसके बाद में इसको भी बहुत उल्टी पुलटी हुआ। उसके बाद में घर में ये लोग 2 घंटे दे सकते, उसके बाद में पालकोट लाए, तो यहाँ से ये लोग मतलब नहीं सकेंगे बोल के इसे यहाँ सदर हॉस्पिटल में थे। उसके बाद यहाँ करीब 12 बजे रात में पहुँचाए थे। फिर रात में इनको वैसे बहुत मतलब क्या होगा, थक गया, बहुत ही भयंकर इसको मतलब अंदर कुछ ऐसा था, क्या बताएंगे। तो फिर यहाँ इलाज भी कुछ हो तो नहीं पाया इसको। उसके बाद में वैसे सुबह इसका मृत्यु हो गई 6 बजे। दोनों का नहीं, पिताजी का, बच्चा अभी है, उसका भी मतलब तबीयत इतना ठीक नहीं है। बच्चा जीवित है? हाँ, बच्चा है। क्या नाम है आपका? अनस्ताइका। अनस्ताइका, बहन है उनका? हाँ, उनकी बहन है। कारण है अंधविश्वास। गांव के देहात लोग आजकल जो ना समझदारी है, गांव का झोला छाप डॉक्टरों को विश्वास करे, जड़ी बूटी में विश्वास कर लेते हैं, उसको जानकारी नहीं रहता है कि हकीकत में क्या है, क्या दवाई होना चाहिए। क्या मांग इसमें, वो क्या मांग करें? अब आदमी तो ऐसे हो गए, तब फिर आप उसको जो दवा जो बना के दिया था उससे पूछा जाए कि दवा के किस का चीज का दवा बना के दिया गया था। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।